लोगों की फेवरेट म्यूटेशन लगी हुई है कमर्शियल आइटम, जिसमें अल्बाइनोज इनटू क्रिमिनोज हैं, अल्बाइनोज इनटू डिकिनो हैं, और हमारे पास पेस्टेलिनो इनटू अल्बाइनोज। मोस्टली मेरे पास कमर्शियल आइटम ही है ज़्यादा, इसी इसकी डिमांड बहुत है और नेक्स्ट सीजन भी इंशाल्लाह इसकी डिमांड बहुत रहेगी। तो मोस्टली ये डिकिनोज इनटू अल्बाइनोज, पॉसिबल ब्लूटूथ की वर्किंग, ये मिस्टी के पेयर्स हैं मेरे पास, मिस्टी भी बहुत पसंद है, इसकी पेयरिंग भी की हुई है। और अगर आप राइट हैंड पे अपने जाएंगे तो इधर मेरे पास मोस्टली म्यूटेशंस लगी हुई हैं, जिसमें मेरे पास ब्लूटूथ की वर्किंग है, डाइल्यूट्स की वर्किंग है, ऑफलाइंस में वर्किंग है मेरे पास। और समय में वैसे सुनने में तो आ रहा है कि ऑफलाइन गया, लेकिन आपने ऑफलाइन भी रखा हुआ सर। ऑफलाइन में मेरे पास एडवांस म्यूटेशन है ना, जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ की एक अपनी अपनी पहचान है, अपनी वर्थ है, और उसका मज़ा भी अपना ही है। सर आपने दाएं बाएं एक मछली बांटा हुआ है सारा। बस मैंने कहा कमर्शियल तो आपको पता ही जाना है ना सारों की, तो वो रखना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो जिन्नु मंतशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड माशाल्लाह फिट फाट होंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे बर्ड देख रही तो देख ही रहे होंगे, मैं आज फिर से मौजूद हूँ जिंदा दिलाने शहर लाहौर के अंदर। आज मुझे समी भाई ने इन्वाइट किया है माशाल्लाह अपनी एवरी के अंदर, चले आए आपको उनसे मिलवाते भी हैं और उनके बर्ड भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समी भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जमान भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समी भाई आपका कि आपने मुझे माशाल्लाह इन्वाइट किया। नहीं नहीं कोई मसला नहीं जमान भाई, मेरा प्लेजर है आपको होस्ट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप फैसलाबाद से आए हैं स्पेशली मेरे लिए। जजाकल्लाह खैर, जजाकल्लाह खैर। अच्छा तो समी भाई मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने लव बर्ड हॉबी कब से स्टार्ट किया? ये जमान भाई 2021 में स्टार्ट की थी और ये सेकेंड सीजन है मेरा, तो मतलब अभी आपका प्ले ग्रुप खत्म हुआ है। हाँ यू कैन से अभी ब्लैक रोक खत्म हुआ है माशाल्लाह। तो और किन बर्ड्स के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं? जमान भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशन हैं, पेल फेलोज हैं, डाइल्यूट्स हैं, ब्लूटूथ अप्लायंस हैं, और मोस्टली कमर्शियल आइटम है मेरे पास। विद इन वन ईयर माशाल्लाह, इतनी सक्सेस के पीछे क्या राज है? बस मेहनत है, डेडिकेशन है मेरी, और मुझे लर्न करने का बहुत शौक था जेनेटिक्स में। ज़बरदस्त, तो कम्यूनिटी भी आपने भी ज्वाइन की होगी? कम्युनिटी एज सच मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सारी कम्युनिटी से मैं मिलता हूँ। तो माशाल्लाह इस वक्त कौन कौन से बर्ड्स आपके पास पड़े हुए हैं? मेरे पास पेयर्स की बात कर रहे हैं आप, तो मेरे पास अराउंड 70 पेयर्स हैं माशाल्लाह। तो जिक्र करें भाई का, आपने जी ये बड़े भाई हैं मेरे, डॉक्टर फैसल माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जमान भाई ठीक ठाक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना अभी भी अपना माशाल्लाह जी। बेसिकली मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ माशाल्लाह, और लव बर्ड में एंट्री एक हंगामी सी लैंडिंग थी, कोविड ने बिजनेस डिस्टर्ब किया, इम्पोर्ट का काम था, तो समी ने आइडिया दिया कि फैसल भाई एक आइडिया है, इसके ऊपर हम बिज़नेस आइडिया है, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। मैंने पूरा मॉडल सुना, वर्किंग स्टार्ट कर दी, इसको शौक़ था, मैंने इसको बिज़नेस की शक्ल दे दी, और अल्लाह का शुक्र है एक साल में हम लोगों ने बड़ा। लेकिन माशाल्लाह आपने समी भाई को प्ले पीरियड से निकाल के बिज़नेस पीरियड में लेके आने वाले हैं जी। समी की डेडिकेशन थी, समी की बहुत वर्किंग थी, इसका इंटरेस्ट था, तो फिर मैं इंजेक्ट करता गया साथ और हमने इसको बिजनेस को जी। तो इससे पता चलता है कि वेल एजुकेटेड पर्सन जो लोग हैं ना माशाल्लाह, वो लव बर्ड हॉबी के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि मेरा मैं बेसिकली आई एम नॉट पेट लवर, लेकिन ही कन्वर्टेड मी इनटू पेट लवर। हमें इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला माशाल्लाह से कि अब हम नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब विद इन अ ईयर हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हम एक ऑटोमेशन लेबॉर्ट्री जो डीएनए किया करेंगे हम, वो एक लॉन्चिंग दे रहे हैं, और पाकिस्तान में वो पहली ऐसी लैब होगी जो मुकम्मल ऑटोमेशन पे काम करेगी, पेपरलेस एनवायरनमेंट के साथ। बीजीसी के नाम से हम इसको लॉन्च करेंगे, बर्ड जेनेटिक सेंटर है, और ये टोटल पीसीआर ऑटोमेशन पे काम करेंगे हम। इसमें इसके रिजल्ट्स भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली सारे जनरेट होंगे, और इसमें ह्यूमन एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। जैसे पहले आते रहे हैं बिल्कुल, जैसे इश्यूज आ जाते हैं मैनुअल काम पे, और जो मशीनरी हमने इंपोर्ट करवाई है जर्मनी से वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और उस तरह की मशीनरी अभी इस टाइम पाकिस्तान में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जी जी, एक्यूरेसी रिजल्ट में बहुत एक्यूरेसी होगी, और सबसे प्लस पॉइंट ये होगा
कि हम इसमें टाइम बहुत अच्छा देंगे, विद इन 24 आवर हम रिजल्ट लॉन्च कर दिया। माशाल्लाह वो जो 24 से 48 आवर्स वाला सीन खत्म कर रहे हैं जी, वो खत्म हो जाएगा। चलिए जबरदस्त, ये थोड़ा अच्छा। तो ये लाहौर के अंदर आप बना रहे हैं? जी लाहौर के अंदर बना रहे हैं, एफसी कॉलेज के साथ ज़हूर अली रोड है, परवेज अली साहब के घर की बिल्कुल बैक साइड पे। मैं आपका ये कंप्लीट भी शेयर करूंगा अपने व्यूअर्स के साथ इंशाल्लाह। जो एक नई लैब बन रही है बीजीसी के नाम पे, वो भी इंशाल्लाह आपकी जो लॉन्चिंग है वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हम आपको ज़रूर दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह, कि आप आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर सर, हाजिर है ऑफिस प्लेटफॉर्म आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें अपना सेटअप विजिट करना आए, चलें आ जाए। ये समी भाई, अपनी एवरी का विजिट कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करवाएंगे हमें? जी मैम, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी मेरी एक फेवरेट म्यूटेशन है और मेरी होम ब्रीड है। ब्लूटूथ ऑफलाइन की हेन है और साथ ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूटूथ का मेल है। माशाल्लाह, और ये दोनों माशाल्लाह मेरी अपनी होम ब्रीड है लास्ट सीजन। मतलब कि ऑफलाइन की वर्किंग आप पहले से कर रहे हैं? जी मैं पहले से कर रहा हूँ, और मैं एक एडवांस वर्किंग में कर रहा हूँ जो ब्लूटूथ म्यूटेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आजकल मार्केट के अंदर ब्लूटूथ भी काफ़ी इन है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मैंने लास्ट सीजन ही इस पर वर्किंग शुरू कर दी थी, आगे अब मेरे पास मेरी अपनी होम ब्रीड है जो अब इंशाल्लाह इस दफा ब्रीड करेगी। जबरदस्त। ये समी भाई, ये आपकी मेरे ख्याल से डाइल्यूट की वर्किंग नज़र आ रही है। जी इस बार में ये डाइल्यूट की वर्किंग है, इसमें ब्लू डाइल्यूट का मेल है माशाल्लाह, और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट ब्लू की फीमेल है माशाल्लाह। तो ये एडिशन इस साल ऐड किया आपने कि पहले का? ये इस साल एडिशन किया है मैंने डाइल्यूट पे, मैंने कहा वर्किंग करनी चाहिए, अच्छी वर्किंग है, खूबसूरत बर्ड है और लोगों की डिमांड में भी है। मतलब डाइल्यूट ऑफलाइन की वर्किंग करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त। इस जवान में ये ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू और ब्लू टू की फीमेल है, बड़े सॉलिड कलर में फीमेल है। जबरदस्त। और इसके साथ डबल फैक्टर वायलेट में फार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। जबरदस्त। जिसमें बेसिकली मैं स्प्लिट्स और विजल पेल फेलो की वर्किंग करना चाह रहा था। माशाल्लाह, ये वही पीक डिमांड बर्ड बना हुआ जिसकी नवीश शेख साहब ने वीडियो बनाई थी। बिल्कुल ऐसे ही, नवीश शेख साहब की वीडियो देख के ही मैंने ये पेयर ऐड किया था, इस सीजन ही पेयर ऐड किया। जैसे आपकी एक ऑफलाइन की वर्किंग नजर आ रही है, इसके बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी जवान में ये ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है माशाल्लाह, और इसके साथ वायलेट ऑफलाइन की हेन है, और ये मेरा बड़ा पसंदीदा पेयर है मेरा, और लास्ट सीजन इन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीड की थी। तो माशाल्लाह क्या रिजल्ट आया था उसमें समी भाई आपको? मेरे पास ऑफलाइंस आए थे ग्रीन यूविंग्स में और ब्लूज में और ग्रीन्स में माशाल्लाह। और इसकी एग रेशियो की एवरेज क्या है? इसकी एग रेशियो की एवरेज थी 5 से 6 माशाल्लाह। और सब फर्टाइल? सब फर्टाइल। जबरदस्त। इस जमाने में ये ब्लूटूथ की वर्किंग है माशाल्लाह, इसमें मेल जो है हमारे पास ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का है, और फीमेल जो है वो विजल ब्लूटूथ ऑफलाइन की हैंड है। जबरदस्त। तो ये मेरी अपनी होम ब्रीड है और ये सारे ब्लूटूथ की वर्किंग है, तो सारे बच्चे पार ब्लू ब्लूटूथ होंगे माशाल्लाह। ये तो आपने इस साल के एडिशन ऐड किया है कि पहले भी आपने ये इससे ब्रीड ली हुई है? नहीं, ये मेरा इस साल ऐड हुआ है। बल्कि आपका अपना होम ब्रीड बर्ड है? होम ब्रीड बर्ड है, इंशाल्लाह इस दफ़ा ब्रीड करेगा इंशाल्लाह। जी जवान में ये भी ब्लूटूथ की वर्किंग है, जिसमें वायलेट स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और उसके साथ ब्लूटूथ ऑफलाइन की हैन है। ये भी मेरी होम ब्रीड है और इस साल इंशाल्लाह ब्रीड करेगी, माशाल्लाह बहुत टॉप क्वालिटी दोनों ही मिलती है। जी बिल्कुल माशाल्लाह, मेल का जो है वो पूरा क्लियर फिशरी हेड है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप सिंपल बर्ड्स में वर्किंग कर रहे हैं साथ साथ? मैं बेसिकली ऑफलाइन भी प्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ फार ब्लूज में, और सिंपल फार ब्लूज भी प्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ ब्लूटूथ को ऐड करके। ज़बरदस्त। ये समी भाई, आपने फ्लाइट केज के अंदर बर्ड छोड़े हुए हैं ये वाले, ये क्या सीन है? जमान भाई, ये मेरी पेल की वर्किंग है माशाल्लाह, और इनको ज़रा थोड़ी सी 1-2 महीने के लिए फ़्लाइट दी हुई है, तो वे फिर ब्रीडिंग केजेस में जाएंगे। इनकी एज पूरी करवा रहे हैं कि वैसे ही फ्लाइट केज दिया हुआ है? एज इनकी पूरी है, सिर्फ फ्लाइट दे रहे हैं 2 महीने के लिए, ताकि थोड़ी सी बॉडी और डेवलप कर लें। तो इसमें हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन पेल की फीमेल है और उसके साथ ब्लू पेल फिशर का मेल है। जबरदस्त। तो दोनों तरफ से हमारे पास पेल प्रोड्यूस होगा इंशाल्लाह। और ये एक और ब्लूटूथ ऑफलाइन की हैन है माशाल्लाह, बहुत उसने अपना साइज डेवलप कर लिया है माशाल्लाह, और इसको पेयर अप करूंगा मैं ब्लू यूविंग ऑफलाइन के साथ जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। मतलब कि आपने माशाल्लाह दोनों पेयर अप यहां पे छोड़े हुए हैं? दोनों पेयर छोड़े हुए हैं, इनकी एज पूरी है, सिर्फ इनकी बॉडी को एनहेंस करने के लिए 2 महीने फ्लाइट, मतलब फ्लाइट दी हुई है इनको। बिल्कुल ऐसी है। जबरदस्त। इस बार में इसमें वायलेट पार ब्लू का मेल है और टर्कोइस पार ब्लू की फीमेल है। इसमें मैं अपनी ब्लूटूथ की वर्किंग भी करना चाह रहा हूँ, इससे जो भी ब्लू बच्चे आएंगे वो पॉसिबल ब्लूटूथ जीन्स कैरी करेंगे। जबरदस्त। तो इस वजह से मैंने पार ब्लू इनटू पार ब्लू पेयर किया। जबरदस्त। ये आपका इस साल का पेयर है कि इससे पहले भी आप ब्रीड ले चुके हैं? नहीं, ये इस साल का पेयर है मेरा माशाल्लाह। होम ब्रीड है? एक होम ब्रीड है और एक मैंने परचेज किया। जबरदस्त।
जी इस मालवी फिशरी की मुझे पर्सनली वर्किंग बहुत पसंद है और वैसे भी इसकी काफ़ी डिमांड होती है अच्छी फिशरी की, तो ये वायलेट फिशरी इनटू ब्लू फिशरी को मैंने पेयर अप किया हुआ है। ज़बरदस्त। सभी भाई ये आपकी अपनी होम ब्रीड है कि आपने बाइंग की हुई है? इसमें एक मेरी होम ब्रीड है और एक मैंने इधर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फेदर एवरी वाले बरोस, ये उनका बेसिकली मेल है। ज़बरदस्त। ये ब्लू पेल फेलो की हैन है और इसके साथ पार ब्लू मिस्टी ओपलाइन का मेल है माशाल्लाह, और ये मैंने पेयर नवीस एक साथ से परचेज किया था लास्ट सीजन माशाल्लाह, बड़ी अच्छा इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया था। क्या रिजल्ट आया था इसका माशाल्लाह? इसके 4 से 5-6 की एवरेज थी माशाल्लाह, और इसमें मैंने स्प्लिट्स प्रोड्यूस किए थे ऑफलाइन वर्किंग में। तो विजुअल नहीं आया भाई? विजुअल नहीं आया थी, जो मेल है वो स्प्लिट नहीं है पेल फेलो का। चलेगी लगा इसमें भी आपको अच्छी ब्रीड दे। आमीन माशाल्लाह। मेरा ब्लूटूथ का मेल है ग्रीन व्यूविंग स्प्लिट ब्लूटूथ, और ये सारों के उस्ताद हैं मोहम्मद अवैस का मैरियल टॉन वाले माशाल्लाह, ये उनके घर का ब्रीड है, और इसके साथ मैंने टर्कोइस पार ब्लू की फीमेल दी है ब्लूटूथ वर्किंग के लिए माशाल्लाह। अच्छा समी भाई, आपने ना ऑफलाइन में ब्लूटूथ की वर्किंग छोड़ी है ना सिंपल फिशरी में ब्लूटूथ की वर्किंग छोड़ी है, और माशाल्लाह आपने जितने भी बर्ड्स लिए हो मेरे ख्याल से इंपोर्टेड ब्लड लाइन के लिए हैं आपने सब। बिल्कुल ऐसे ही मैंने सारे टॉप लाइन के बर्ड्स लिए हुए हैं, टॉप रिजल्ट से परचेज किए हुए माशाल्लाह, और ब्लूटूथ एक ऐसी वर्किंग है जो हर एवरी में जरूरत है और जरूरत है और होना भी चाहिए ज़बरदस्त। जी समी भाई, जैसा कि माशाल्लाह आपकी क्वालिटी बर्ड्स हैं माशाल्लाह दिखा रहे हैं, और इसी के साथ जो आपकी एवरी का साइज़ है वो भी बताते चलें, और इसके साथ जो आपने केजेस लगाए हुए हैं माशाल्लाह 69 वर्किंग जो आपने बर्ड्स किए हुए हैं वो भी बताएंगे कितने केजेस का साइज़ है, और आपके बॉक्सेस का साइज़ क्या है? जी इस्माइल भाई, कमरे का साइज़ है 14x11 ज़बरदस्त, और केजेस का जो साइज़ है वो है 2.5x1.5 डेप्थ में ज़बरदस्त, और बॉक्सेस का जो साइज़ है वो 9-10-11 है माशाल्लाह। तो ये सामने वाल के ऊपर भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते चले आप। जी ये बेसिकली शो बॉक्स है ज़बरदस्त, और ये मेरा हॉस्पिटल केज है ज़बरदस्त, इसमें 2 पेशेंट भी आए हुए हैं ज़बरदस्त, और ये सामने डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए और ये सेक्शन है सारा जो ये आपको बताएंगे। फैसल भाई माशाल्लाह, आप एक्सप्लेन करें अपने एरिए का। आप जी इसमें मेडिकेशन है उनकी सारी हर तरह की ज़बरदस्त, जो कि हमने YouTube पे देखा है लोगों को कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर हमने थोड़ा रिसर्च भी किया है, तो वन टू ऑल टोटल मेडिकेशन है ये, फूड सप्लीमेंट्स हैं इनके सारे, और उसके अलावा ये लिक्विड फॉर्म में फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये मोरिंगा है, इसी तरह बाकी चीज़ें हमने कैल्शियम वगैरह टोटल एक अरेंजमेंट के साथ मैनेज किया हुआ है, ताकि हमें हर चीज़ जो है ना हमारे पास ज़रूरत के वक्त अवेलेबल हो। ये रिकॉर्ड कीपिंग बुक है, इसके अलावा ये वो रिकॉर्ड कीपिंग बुक है, ये हमें किंग एस साहब ने दे दी थी ज़बरदस्त, और बस इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा चलते रहे। मतलब कि माशाल्लाह आपने हर चीज़ एक मेंटेन करके रखी हुई है। जी छोटी सी जगह पे कॉम्पैक्ट और बिल्कुल स्मेललेस जो है ना हमने एक एटमोसफियर क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये घर के अंदर है और हम चाहते हैं कि ऐसा सिलसिला चले कि इससे स्मेल क्रिएट कोई बैड स्मेल ना आए। बर्ड्स के लिए भी ये बहुत बेहतर है, जैसे कि वो एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि आप बर्ड की हेल्थ अच्छी रखें तो वेल्थ वो आपको खुद ही दे देता है, तो हमने उनकी हेल्थ अच्छी रखने की कोशिश की हुई है। जी समी भाई माशाल्लाह, जैसा कि आपने हमें अपनी मोटेशन तो दिखाई हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने हमें अपने कमर्शियल बर्ड दिखाए हैं, लेकिन अभी तक आपने दिखाए नहीं अपने कमर्शियल बर्ड। पहले तो ये बताएं कि आपने कमर्शियल बर्ड लगाए कितने हैं टोटल पेयर? हमारे मेरे पास कमर्शियल पेयर कोई 30 के करीब है माशाल्लाह, और लोगों की बड़ी एक इन डिमांड बर्ड है, इस वजह से मैंने इससे काफ़ी वर्किंग की है। शर्ट में होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, जैसे होंडा 70 है वैसे ही हमारे लिए ये अल्बाइनो है, ये अपने 70 हैं पूरे पूरे। और बताइए कौन कौन सी माशाल्लाह वर्किंग है आपकी? जी मान ये डिकिनो इंटू अल्बाइनो रेडाई की पेयरिंग है माशाल्लाह, और इसी तरह अगर ऊपर आप देखें तो ऊपर भी डिकिनो इंटू अल्बाइनो रेडाई की पेयरिंग है माशाल्लाह। तो समी भाई आपने कब के बॉक्स लगाए हुए? मेरे ख्याल से हैचिंग तो स्टार्ट हो ही हुई है आपकी। जमान भाई मैंने बॉक्सेस अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाए, अभी तो नेस्टिंग चल रही है। नेस्टिंग चल रही है जी, मैं बर्ड्स को प्रॉपर वेदर स्टार्ट होता है जब भी बॉक्सेस देता हूँ माशाल्लाह। उसके साइज की वजह से मैंने गैस किया कि शायद हैचिंग स्टार्ट हो गई है। नहीं साइज माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा है ज़बरदस्त। इधर भी जमान भाई ये देखें, इधर भी डकिनो इंटू अल्बाइनो की पेयरिंग है माशाल्लाह। डकिनो मुझे काफ़ी पसंद है और माशाल्लाह आप साइज से देख सकते हैं इनका एक प्रॉपर बर्ड डेवलप हुआ हुआ बिल्कुल, और हेल्दी और एक्टिव भी है माशाल्लाह। हेल्दी एक्टिव माशाल्लाह, डाइट बड़े अच्छी जा रही है। जिस बार में ये भी कमर्शियल आइटम अपना पेस्टोलिनो
और इन टू अल्बाइनो। जबरदस्त, मतलब कि माशाल्लाह आपने पार्लो स्प्लिट इनोज भी लगाए हुए हैं, अल्बाइनो रेड आई, क्रीमिनो, डेकिनो, आपने मतलब कि ऑल ओवर अपने शेड के अंदर रखे हुए हैं आपने लाजमी। जी वो तो सर एक शेड की रिक्वायरमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियल आइटम को ऐड करना। जबरदस्त, इधर भी ऊपर आप देखिए, उनके ऊपर भी इधर डेकिनो इन टू क्रीमिनो लगा हुआ है माशाल्लाह। और अगर इधर सामने आ जाएँ हम तो इधर भी क्रीमिनो इन टू अल्बाइनो लगा हुआ है, मतलब कि जगह जगह मिली है आपने वहाँ पे घुसाए हुए हैं। बस वैसे जहाँ जगह मिलती है बस वहाँ बस कमर्शियल ही होना चाहिए। माशाल्लाह देखें तो इधर भी हमारे पास क्रीमिनो इन टू अल्बाइनो का पेड़ है माशाल्लाह। जी समी भाई, ये ऊपर फ्लाइट केजेस के अंदर आपने काफ़ी बर्ड छोड़े हुए हैं, क्या ये अभी पेयरिंग इनकी करनी है कि जगह नहीं है आपके पास? नहीं फिलहाल भाई जगह की बात नहीं, ये सारे फॉर सेल बर्ड्स हैं। अच्छा, तो मैंने इसलिए फ्लाई भी छोड़ा हुआ है ताकि इनका साइज डेवलप हो जाए। अभी तो सामने अगर आप देखें तो ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू टू ब्लू स्प्लिट पेल फेलो आपको नजर आ रहा होगा माशाल्लाह। ये सारे रेडी टू ब्रीड बर्ड्स हैं, सारे मेरे होम ब्रीड हैं। इधर कुछ डायलूट्स हैं, ग्रीन यूविन स्प्लिट डायलूट, स्प्लिट ब्लू, ब्लू यूविन है, वो पार ब्लू यूविंग ऑफ लाइन का फीमेल है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये भी फॉर सेल के लिए? जी ये भी फॉर सेल के लिए। जबरदस्त, उधर उस वाले फ्लाई केज में हमारे पास सारे स्प्लिट पेल फेलोज हैं माशाल्लाह, मेरी होम ब्रीड है करके। जी मान लीजिए ये सारे स्प्लिट पेल फेलोज हैं मेरे पास, मेरी होम ब्रीड है और माशाल्लाह सारे रेडी टू ब्रीड बर्ड्स हैं, ये अवेलेबल हैं फॉर सेल माशाल्लाह। तो सर आप माशाल्लाह फॉर सेल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लोगों ने तो आपका सर बड़ा खाना है, तो आपने हमारे चैनल के दोस्तों से जो भी आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता करेगा, आपसे जितना कंसेशन हो सकेगा आपने वो कंसेशन करना है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं बेस्ट प्राइस उनको दूंगा जो चैनल के थ्रू मेरे से डायरेक्ट रब्ता इंशाल्लाह। तो इसमें एक बार फिर एक्सप्लेन कीजिए कौन सी वर्किंग के बर्ड है ये वाले? ये सारे स्प्लिट पेल फेलोज हैं, पार्बलू स्प्लिट पेल फेलोज हैं और ब्लू स्प्लिट पेल फेलोज हैं। जबरदस्त जी समी भाई, ये भी बर्ड आपके पास फॉर सेल के लिए पड़े हुए हैं, ये जो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी इस बार में ये भी फॉर सेल हैं, ये केज नंबर 4 में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कुछ स्प्लिट ऑफलाइंस हैं अवेलेबल ग्रीन में, कुछ ग्रीन यूविंग्स हैं, स्प्लिट ब्लू हैं, पार ब्लू स्प्लिटिनोज हैं और कुछ सिंपल पार ब्लूज भी अवेलेबल हैं फॉर सेल। सारे रेडी टू ब्रीड बर्ड्स हैं, मेरी होम ब्रीड है। चलिए समी भाई, मैं इंशाल्लाह आपका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चला दूंगा जी, तो वो लोग जिन्होंने वो बर्ड रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे खुद ही रब्ता करेंगे इंशाल्लाह जरूर। और केज नंबर 5 में ये सारे ऑफलाइंस हैं मेरे पास, ब्लू मिस्टी में ऑफलाइंस हैं, पार ब्लू ऑफलाइंस हैं, कुछ पार ब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल्स हैं अवेलेबल, कुछ मेरे पास ब्लू फिशरीज हैं अवेलेबल जो पॉसिबल सफायर भी हैं माशाल्लाह। जी तो ये भी फॉर सेल है और इंशाल्लाह लोग आपका करें, मैं जरूर इंशाल्लाह बेस्ट प्राइस दूंगा उनको। जी समी भाई, जैसा कि माशाल्लाह आपने बताया कि बर्ड आपने फॉर सेल करने हैं, तो आपको पता है फिर लाजमी लोगों ने आपसे कॉन्टैक्ट तो करना ही करना है, लिहाजा आप अपना एड्रेस और अपना सेल फोन नंबर जो है वो स्क्रीन पर एक बार बोल दें, मैं ऊपर लिख भी दूंगा इंशाल्लाह, जिन्होंने कॉन्टैक्ट करना होगा वो आसानी से आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जी इंशाल्लाह जमान भी, मेरा एड्रेस ऑफकोर्स लोकेशन लाहौर है और इलामा इकबाल टाउन में बड़ी मशहूर एक जगह है सर मून मार्केट, उसके बिल्कुल साथ ही मेरा घर है। और मोटरवे से अगर कोई भाई आउट ऑफ लाहौर आते हैं तो बाबू साहब एक्सचेंज से 10 मिनट की ड्राइव है मेरे घर की। ज़बरदस्त, और अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा फ़ोन नंबर है 0304-88-22223। जी वो मैं आपका स्क्रीन के ऊपर सेल फोन नंबर भी लिख दूंगा इंशाल्लाह। जी तो जिसने भी रब्ता करना होगा वो इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लेंगे। जी इंशाल्लाह, तो वो लाजमी एक बात है कि हमारे चैनल के दोस्तों से जो भी आपसे रब्ता करेगा उनसे खास प्यार मोहब्बत होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसा कि माशाल्लाह आपको समी भाई और फैसल भाई का सेटअप दिखाया, उनके बर्ड भी माशाल्लाह दिखाए, उनके साथ गुफ्तगू भी की, तो अपनी राय कीमती जो है वो आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा कि आपको समी भाई कैसे लगे, हमारे डॉक्टर सचिन साहब कैसे लगे और इनके बर्ड कैसे लगे हैं। और जैसा कि समी भाई ने बताया कि उनके पास बर्ड फॉर सेल के लिए भी हैं, उनका स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर चला दूंगा, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह फुल एंड फुल फाइनल कंसेशन भी करेंगे आपके साथ। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।